वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की रेसिपी है पहाड़ी स्पेशल भटकी चुड़कानी। पहाड़ियों ने ज़रूर खाई होगी भटकी चुड़कानी घर पे बना के। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आए और आप लास्ट तक देखें वीडियो और लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर आपको पसंद आती है तो। दोस्तों ये है भट और ब्लैक सोयाबीन कह सकते हो आप इसे, ब्लैक सोयाबीन ही होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको कढ़ाई में ऑयल लेके आपको लाल मिर्च इसमें फ्राई करनी है इस तरीके से, और हल्की डार्क ब्राउन होने के बाद आपको निकाल लेना है इसे। उसी ऑयल में आपको धोने के बाद इस भट को यानी कि ब्लैक सोयाबीन को आपको इस तरीके से फ्राई कर लेना, अच्छे से डार्क ब्राउन होने तक आपको इसको फ्राई करना है। होने तक आप अच्छे से फ्राई होने तक आपको इसको चलाते रहना है, जलने नहीं देना है आपको इसे। हल्के हल्के मीडियम फ्लेम में आपको इसको फ्राई करना है। तो दोस्तों भट फ्राई हो चुकी है, इसे अलग पैन में निकाल लेते हैं। फ्राई प्लेट में निकाल लिया हमने और उसी ऑयल में अब आपको बेसन को फ्राई करना है इस तरीके से मीडियम फ्लेम में। हल्का सा ब्राउन होने तक आपको इसको फ्राई करना है, चलाते रहना है, ध्यान रहे जले ना बेसन, इस तरीके से आपको फ्राई करना है। ऑलमोस्ट हमारा फ्राई हो चुका है, अब इसे भी प्लेट में निकाल लेते हैं। अब दोस्तों सेम कढ़ाई में आपको ऑयल में जीरा डालना है इस तरीके से। जीरे के साथ आपको डालना है कटा हुआ अदरक और लहसुन। अभी आपको ऐड करना है बारीक कटा हुआ प्याज और इसे गोल्डन ब्राउन होने तक आपको फ्राई करना है हल्के मीडियम फ्लेम में। और ध्यान रहे आपको चलाते रहना है, अनियन को अंदर जल जाएगा, इस तरीके से आपको पकाना है मीडियम फ्लेम में। दोस्तों प्याज फ्राई होने लगा है और अब हम ऐड करेंगे इसमें बारीक कटा हुआ टमाटो और उसे भी अच्छी तरीके से चला लेते हैं और हल्की मीडियम फ्लेम में आपको पकाना है इसे भी। तो इसमें साथ ही ऐड कर लेते हैं स्वाद अनुसार नमक, जिससे कि हमारे टमाटो थोड़ा जल्दी पके और गल जाए अच्छे से। तो हमने नमक पहले ऐड ऑन किया है। हमारा टमाटर गल चुका है, अब इसमें हम बाकी मसाले ऐड ऑन करेंगे। धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, और इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मसाला अच्छे से भून चुका है, अब बारी आती है दोस्तों इसमें भुने हुए बेसन को ऐड करने की। बेसन ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा मीडियम फ्लेम में इसको 50 से 40 सेकंड तक हमें पकाना है इस तरीके से। अच्छे से हल्के लिए चलाते रहना है, इसे लम्स ना बने ध्यान रहे, चलाते रहेंगे हम इसे। और जब अच्छे से भुन जाए दोबारा तो इसमें हम ऐड ऑन करेंगे थोड़ा सा पानी, जिससे कि वो चिपके ना। पानी ऐड ऑन करने के बाद हम इसे एक बार और चला लेते हैं अच्छे से, इस तरीके से हल्के लिए चलाते रहिए।
काफ़ी अच्छी ग्रेवी बन रही है, काफ़ी थिक है ग्रेवी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसे थिक और पतला कर सकते हैं, चाहे तो आप इसमें थोड़ा और बेसन ऐड ऑन करते तो थोड़ा और ग्रेवी थिक बनेगी, और ज़्यादा पानी ऐड करने के बाद थोड़ी पतली ग्रेवी बनाएगी। थोड़ा हम पानी और ऐड कर लेते हैं और इसे पकने देंगे हम मीडियम फ्लेम पे। बस हमारी ग्रेवी बन चुकी है, अब इसमें ऐड ऑन करेंगे हम भुने हुए भट, और भट ऐड ऑन करने के बाद हम इसे थोड़ा चला लेंगे। और अच्छे से पकने देंगे थोड़ा। दोस्तों उबाल आने लगा है, हमारी भट की जुड़कानी ऑलमोस्ट प्रिपेयर हो चुकी है। भट की जुड़कानी एक बाउल में ले ली है और इसमें ऐड ऑन करेंगे हम देसी तड़का, जो कि हम देसी घी में लगा रहे हैं। उसमें हमने ऐड ऑन किया तड़के के लिए कटी हुई लाल मिर्च और थोड़ा सा लहसुन और हल्का सा जीरा, और इसको इस तरीके से हम सर्विंग बाउल पे सर्व करेंगे और तो उस टाइम तड़का लगाएंगे इस तरीके से। तो ये तड़का आप किसी भी दाल पे लगा सकते हैं, काफ़ी टेस्ट बढ़ाता है खाने का, तो ये तड़का ज़रूर लगाएं अपनी जो डेली दाल में। पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।